वहीं राजनांदगांव के 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के नीचे अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई निगम ने शुरू कर दी है। बता दें कि फ्लाईओवर के नीचे वर्षों से लोगों ने कब्जा करके दुकान खोली हुई है, तो कई वर्षों से कार मालिक अपने कारों की पार्किंग फ्लाईओवर के नीचे कर रहे हैं, जिसके चलते बीते 3 दिन पहले भी निगम ने सभी कब्जाधारी दुकान और कार मालिकों को कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद भी कई लोगों ने अभी तक कब्जा नहीं हटाया, जिसके चलते उनके अवैध कब्जे पर यातायात पुलिस और निगम प्रशासन ने संयुक्त रूप से मिलकर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज नगर निगम का हमला सहायक अभियंता के नेतृत्व में और यातायात विभाग के नेतृत्व में वहाँ पे जो गुमटी वगैरह जो रखे हैं अवैधानिक रूप से, उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे तो सभी को हटाना है। आज जितना हो सकता है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, आपको अवगत करा दिया।